हेलो गाइस, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जामुन के सीड्स कैसे लगाते हैं और जामुन के सीड्स से जामुन का पेड़ कैसे उगता है, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पर देखिए, मेरे हाथ पास काफ़ी सारी जामुन है, ठीक है, कुछ पॉलीथीन में पड़ी हुई हैं, अभी उनको भी निकालना है। तो इसको भी लगाने के लिए बिल्कुल आसान सा तरीका है, ये जामुन है, ठीक है। तो इसे आप खा कर भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं इसे खा के दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, इस जामुन के बीज को मैंने खा लिया है और अब इसको लगाने की बारी है। तो मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ कैसे लगाना है इसकी सीडिंग। आप जंगल में भी लगाएं, आप रोड के साइड में लगाएं, आप अपने घर पे लगाएं, कहीं पर भी लगाएं, तो आप सीडिंग लगाएं ज़रूर, क्योंकि जामुन आपको फ्री मिल जाती है आजकल। फ्री में नहीं मिलती तो पैसे की मिल जाती है, थोड़े पैसे में, मतलब 40 रुपये की 250 ग्राम, 300 ग्राम ऐसे मिल जाती है। तो आप उन्हें खाने के बाद भी ऐसे लगा सकते हैं, वो तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। बस इस सीडिंग को लेना है और 2 से 2.5 इंच का गड्ढा करना है और इस सीड को उसमें डाल देना है और ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, आपको डे बाय डे पानी इसमें थोड़ा थोड़ा डालते रहना है और ये थोड़े दिन बाद एक पौधा बन जाएगा। और जब पौधा बन जाएगा तो आप उसे वहाँ से हटा करके कहीं और लगा सकते हैं या फिर वहीं रहने दें, ठीक है। तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ जंगल में, यहाँ पर हर तरफ आपको अजीबोगरीब पेड़ दिख रहे हुए मिल रहे हैं, कोई भी फ्रूट्स वाला पेड़ नहीं दिखेगा, ना जामुन का पेड़ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जामुन का पेड़ लगाने वाला हूँ, बहुत सारी और खाए हुए भी और बिना खाए हुए भी, जो ख़राब है उनको ऐसे ही लगा दूँगा, ठीक है। तो ये जामुन है और अभी इसको मैं यहाँ पर देखिए पीछे आपको दिखाता हूँ घुमा के, यहाँ देखिए, यहाँ पर किसी भी तरह का मतलब वैसा पेड़ नहीं है जिसमें फल हो, और यहाँ पर चिड़िया रहती हैं, सब ये जंगली पेड़ हैं जितने भी हैं। तो यहाँ पर जितनी जगह खाली होगी मैं उसमें पेड़ लगाने वाला हूँ। यहाँ पे कई जगह ऐसी हैं जो खाली पड़ी हुई, देखिए मेरे पीछे यहाँ पर भी जगह खाली है, ये रास्ते के बगल में, यहाँ हम लगा देंगे सीडिंग कर देंगे इसकी जामुन की और आप लोग को पूरी वीडियो दिखाएंगे। तो गाइस, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आप लोग के लिए ही मेहनत करता हूँ, मैं प्राकृतिक के लिए मेहनत करता हूँ। तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ज़्यादा पेड़ लगाता रहूँ। और यहाँ पर ये जामुन है और ये हथियार है जिससे मैं पेड़ लगाने वाला हूँ। गड्ढा ज़्यादा गहरा नहीं करना है, बस 2 इंच का करना है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। ये छोटा सा सब्बल है और यहाँ पे जामुन है और यहाँ पे जगह खाली हुई है जंगल में, ठीक है। तो मैं लगाने वाला हूँ, आप लोग वीडियो पूरी देखना, थैंक यू। और कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि इतने पास पास बीज क्यों लगा रहे हो, तो उसका जवाब मैं दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बीज हो सकते हैं, कुछ नहीं होंगे, इसलिए मैं पास पास लगा रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, उस साइड एक बाकी है, बाकी आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो गाइस, सीड मैंने लगा दिया है, अब पानी डाल देते हैं सीड में, ठीक है। क्योंकि गाइस अभी बारिश का समय है तो इसलिए आपको पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप बारिश हो जा रही है, अपने आप सीड्स हो जाएंगी, ठीक है, ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो आप लोग भी फ्री में पेड़ लगाना चाहते हैं तो जामुन खाएं, और जामुन खाने के बाद उसकी बीज निकाल करके इसी तरह जंगलों में आएँ या फिर रोड के साइड या अपने घर के पार्क में, जो आपके घर के पास पार्क है वहाँ पर लगाएँ, इसी तरह पेड़ लगाते रहें। और मेरा सपना यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ भारत में, और मैं यहाँ पर पेड़ लगा रहा हूँ और आप सबको वीडियो भी दिखा रहा हूं ताकि आसानी से आप पेड़ लगा लें। तो ये जामुन खाने के बाद आप जो फेंक देते हैं गुठली, वो ना फेंके, उससे आप पेड़ उगाएं। आप नहीं लगा सकते तो आप किसी भी पेड़ लगाने वाले को दे सकते हैं, जैसे कि मैं लगा रहा हूं, उसी तरह से बहुत सारे लोग लगा रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ, बस, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।